दोस्तों करनाल में मिला व्यक्ति का शव शराब ठेकी के पास पड़ा था। राहगीर ने पुलिस को दी सूचना, पहचान नहीं हुई। दोस्तों विकास जांगड़ा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं आपके सामने हरियाणा के करनाल में शराब ठेके के सामने व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सिटी थाना पुलिस व FSL की टीम ने साक्ष्य जुटाए। मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों पर खुलासा हो पाएगा। जानकारी देते हुए मौके पर मौजूद राहगीर रामपाल ने बताया कि रविवार रात करीब 10 बजे जब वह सिटी थाना के पास से गुजर रहा था तो कुछ ही दूरी पर शराब के ठेके के सामने एक व्यक्ति अचेत हालत में पड़ा था, जिसको कोई सुध नहीं थी, जिसकी उम्र करीब 38 से 40 साल थी। जब उसे उठाने की कोशिश की तो उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। दोस्तों ये घटनाएं होती रहती है हरियाणा के अंदर। हम सुनाने जा रहे हैं आपके सामने बहुत ही बड़ी घटना। लोग बोले पहली बार देखा, पुलिस को शव के पास से ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला। चौंकाने वाली बात तो ये है, जिससे उसकी शिनाख्त हो सके वहीं आसपास के लोगों से शिनाख्त करवाई गई, लेकिन सबका यही कहना था कि इसको पहली बार यहाँ पर देखा है। मतलब कहने का ये है कि कोई उसको पहचान नहीं पा रहा था। सारे लोग कह रहे थे कि इसको पहली बार देख रहा है। हाँ दोस्तों, और मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं। जांच अधिकारी सिटी थाना के जांच अधिकारी मंजीत ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। मृतक के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं है। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में भेज दिया है। 72 घंटे में अगर पहचान नहीं हो पाती है तो दाह संस्कार करवाया जाएगा, लेकिन मौत के कारण क्या रहे हैं उसका खुलासा पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा। दोस्तों ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी घटनाएं होती रहती है, इसी प्रकार से कहते हैं अपने परिवार को संभाल के रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर ड्रिंक करता है या किसी प्रकार का नशा करता है तो उसको सतर्क और सावधान कीजिएगा। और आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार है। और वीडियो को इतना शेयर कर दो ताकि इंडिया के अंदर या बाहर कोई भी व्यक्ति है वो अपना ध्यान ज़रूर रख सके। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।